महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश की होती तो वो पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपने साथ उनके साथ ले आते। अजीत पवार ने वर्तमान मुख्यमंत्री की जीवनी योद्धा कर्मयोगी एकनाथ संभाजी शिंदे के विमोचन के मौके पर मजाकिया लहजे में ही मंच पर कहा कि राजनीति में वो मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों से वरिष्ठ हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शिंदे और फडणवीस दोनों मौजूद थे। जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत की थी और वो एनसीपी को तोड़कर बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हुए थे। अजीत पवार ने कहा, सभी आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस पहली बार 1999 में और शिंदे 2004 में विधायक बने, जबकि वो पहली बार 1990 में विधानसभा के सदस्य बने। अजीत पवार ने चुटकी लेते हुए कहा, मैंने कुछ लोगों से मजाक में कहा था कि जब आपने एकनाथ शिंदे से कहा था कि वे इतने विधायकों के साथ आए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मैं पूरी पार्टी को साथ ले आता। वहीं आपको बता दें, अजीत पवार की इस बात पर सभी लोग मंच पर हंस पड़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।